Well, protests have erupted in Mumbai as well. This is in connection with the activist Teesta Sitalwar's arrest. Remember, earlier we did see protests erupt in Delhi as well as in Kolkata, and now there are fresh protests in Mumbai as well. Swarali joins me live from Dadar in Mumbai, where this protest is happening. Swarali, take us through what is happening around right now around you. So people have gathered here to protest against the arrest of Teesta Sitalwar, who is an activist and who worked for riot victims of 2002. The case is of forgery, that is 468 and 471. Gujarat ATS team arrested her from her Mumbai residence, and according to her legal team, she had bruises on her hand, and according to her, this entire arrest is illegal. That is what she has been saying constantly. But she, on the other hand, has other charges already. She allegedly misused funds collected for riot victims, and also misuse of foreign funds which were invested in her NGO trust name is Sabrang. So let's know from all of these people who are protesting here, what are their demands and what are they protesting for. Constantly there are slogans being raised: release Teesta Sitalwar, free Teesta Sitalwar, and they are also raising slogans against Narendra Modi and Amit Shah, because one day before the arrest of Teesta Sitalwar, Supreme Court had given a clean chit to Prime Minister Narendra Modi in the case of 2002, where Teesta Sitalwar was co-petitioner, was Zakia Zafri. But they are all raising slogans against RSS, Bajrang Dal, Narendra Modi and Amit Shah. So let's know from them what their demands are. Sir, kya demand hai aap logon ki? कि तीसरा सतवार तो रिया कर दें बस, और क्या क्या उन पे चार्ज लगा है फोर्जरी का, और इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है। क्या फोर्जरी की है, अब उनको मालूम है, कोर्ट को मालूम है क्या फोर्जरी की है? मैडम, क्या मालूम है, कोई फोर्जरी नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है मालूम है, देखिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आज बिक चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ऑर्डर पास किया है, हमको शर्म आती है। आज हमें ना 92-93 के मैटर के अंदर आज तक किसी को अरेस्ट नहीं हुआ गया, और आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर पड़ा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि उनके ऊपर एक्शन लेना। और दुनिया ने देखी गुजरात के दंगे, उसके बावजूद आज तक जो काम किया है, क्या वो सब गुनहगार जितने अंदर है आज वो सब छूट जाएंगे? क्योंकि एटीएस के जिस तरीके से काम किया है, सीबीआई जिस तरीके से सरकार के लिए काम कर रही है, आज हमको शर्म आती है। मैंने 92-93 के राइट्स में सीबीआई की इंक्वायरी मांगा था, सीबीआई ने क्लीन चिट दी, और हाई कोर्ट से लेकर हर जज, आज आप किसके ऊपर मुझे कंटेम द कोर्ट करते हो, मेरे पर कितने चार्जेस लगे हुए थे, आज तक कोर्ट ने मुझे इंसाफ नहीं दिया है। आज तक मुंबई के राइट में ब्लास्ट वालों को आप आरोपी बनाते हो। जी जी जी, तो ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट इंस्टीट्यूशंस लाइक ईडी, सीबीआई, एटीएस आर सोल्ड, दे आर, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दे आर नॉट रिस्पांसिबल इंस्टीट्यूशंस एनीमोर, लेट्स नो फ्रॉम देम। सर, आपका क्या कहना है? अभी यहां पर हम लोग, आप ये जो अरेस्ट हुआ है उस पे आपका क्या कहना है? ये अरेस्ट यानी वेंजेंस है, ये जानबूझ के जो ह्यूमन राइट्स फाइट कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं गुजरात के राइट्स में, जो दंगल ग्रस्त हो गए, उनके बारे में रिलीफ लेने के लिए, और ये दंगाई कौन है इसके लिए जो लड़ रहे हैं, उनको ही पकड़ा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के थ्री बेंच का जो ये है बयान है वो लार्जर, सर उन पे फोर्जरी का केस लगा है। ये जो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट नहीं है, बदले की कार्रवाई है। मोदी गवर्नमेंट ने बदला लिया गया है। मैडम जो है गरीब लोगों के लिए लड़ती है, उन्होंने कम्युनल वायलेंस में जो अफेक्टेड लोग थे उनके लिए लड़ी है, उस लड़ने के वजह से उससे बदला लिया जा रहा है। जिस तरह उसके घर पे पुलिस वाले घुसे, ना कोई आइडेंटिटी बताया, ना समन्स दिया, और उठाकर ले गए और उसको अब्यूज किया, उसके हम कंडेम करते हैं। वो हमको डराना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं है, हम टिस्टा के साथ है, एक टिस्टा को अरेस्ट किए, हम सब यहाँ टिस्टा ही है। So all of them are saying that the way this arrest has happened is totally wrong, and if one Teesta is arrested, all of them are here to
support her because she was the one who worked for the human rights of the riot victims of 2000 and to according to them this is a revenge being taken by Modi government right. That is what all of these supporters are saying so yes over to you all right Barali thank you so much for getting us all those ground reactions and breaking updates with regards to the Teesta arrest case